यूजफुल प्रोफाइल लिखेंगे इसको, ये कलर तो मैं डेफिनेटली नहीं चेंज नहीं रखूंगा, यूजफुल प्रोफाइल्स। वी हैव ऑलरेडी डन मेनी ऑफ देम बट एंड देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, आई विल टेल यू, नॉट टुडे बट इन होमवर्क, एंड दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर वेरी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स। नंबर वन, इफ यू हैव इंटीग्रेशन 1/4, 1/√4 और √4, देन मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज डायरेक्ट रिजल्ट। थ्री क्वेश्चंस ऑन दिस, पीडीएफ में मिलेंगे बच्चों ये प्रॉब्लम्स, राइट। अब मैं ये नंबर नहीं लिखूंगा, हर एक प्रोफाइल पे कुछ एकाध क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और वो हो जाते हैं, सामने आंसर्स भी लिखे होते हैं, करना बहुत जरूरी है, मस्ट। सेकंड, इफ यू हैव लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय √4 और लीनियर √4, देन पुट लीनियर इक्वल टू ए टाइम्स क्वाड्रेटिक डैश प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। बच्चों ए और बी निकालना आता है कि नहीं आता है पहले बताओ। हाँ सर आता है। हाँ सर, क्या करते हो बताओ। तो कोई सर अगर फैक्टराइज हो रहा होता है तो वो रूट की वैल्यू भी पुट करते हैं ए और बी ढूंढने के लिए, या तो x की वैल्यूज पुट करते हो या फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हो, बराबर। हां सर, फाइंड ए एंड बी। अब ए एंड बी पता लग गया, उसके बाद फायदा क्या हुआ, ये बन गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, मानो ये इंटीग्रेट करना है तो ये बन जाएगा ए टाइम्स क्वाड्रेटिक डैश बाय क्वाड्रेटिक प्लस बी टाइम बी बाय क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये इंटीग्रल। देखो ये तो परफेक्टली q इज इक्वल टू t लेंगे तो हो जाएगा, और ये बन गया तुम्हारा प्रोफाइल वन, इसको प्रोफाइल के नाम से बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोफाइल वन प्रोफाइल टू, राइट। जैसे हम लोगों ने अभी तक 13 फॉर्मूलाज किए हैं ना, 13 किए हैं, 12 किए हैं, 12 ही किए हैं शायद। अच्छा अपन लोगों ने ये प्रोफाइल कर लिए नहीं कर लिए, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसके क्वेश्चंस कर लिए नहीं कर लिए। सर ने लास्ट क्लास में मेंशन कर दिया ये। हाँ वो मेंशन कर दिया था सर कि ये ऐसा होता है, बट हम प्रॉब्लम्स नहीं किए थे। अच्छा ओ, इसके प्रॉब्लम्स नहीं किए अभी? नहीं सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो गाइस एक रिमाइंडर लेते हैं, वापस चलते हैं, पहले दो तीन प्रोफाइल्स निपटा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। प्रोफाइल थ्री, इफ यू हैव q1 अपॉन q2 और q1 अपॉन √q2, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इस कंडीशन में राइट q1 इज इक्वल टू a टाइम्स q2 प्लस b टाइम्स q2 डैश प्लस c, फाइंड abc। एंड प्रोसीड प्रोफाइल फोर, गाइज इफ यू हैव dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, ये बहुत फास्ट हो जाएंगी पहले बता देता हूँ, फिर ई टू दी पावर एक्स वाला बाद में कर लेंगे। टोटल 12 प्रोफाइल्स हैं, a प्लस बी साइन एक्स प्लस c कॉस एक्स, कुछ इस तरह का है, अगर है तो उसमें साइन एक्स को लिख दो 2 tan x/2 अपॉन 1 plus 10 square x/2 और cos x को लिख दो 1 minus 10 square x/2 अपॉन 1 plus 10 square x/2
राइट, दिस इज योर प्रोफाइल फोर। अब इसमें ऐसा ऐसा करने के बाद में इसका न्यूमरेटर जो बनेगा ना, वो न्यूमरेटर बनेगा फंक्शन ऑफ टेन एक्स बाई सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में टेन एक्स बाई टू की टर्म्स ही बच जाएंगी, फंक्शन ऑफ टेन एक्स बाई टू। इस कंडीशन में टेन एक्स बाई टू को टी रखना, हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्रोफाइल का मतलब कुछ भी लेफ्ट और राइट नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं डाल देना चाहिए उधर। प्रोफाइल मीन्स एग्जैक्टली जो भी दिया हुआ है उसी को प्रोसीड करना है, ठीक है। एक बार किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे याद रहे ये सब चीजें। वैसे इसके क्वेश्चन हम लोग कम करने वाले हैं आज, इसके क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में ही मिलेंगे। चलो आगे। हाँ सर, एक ही सेकंड सर। यार इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दे, वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा एंड में। सर वो Q1 by Q2 वाले केस में Q1 को ये लिखने से कैसे हेल्प हो रही है? देख क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन Q1 by Q2 करना है तुझे, बराबर। तो ये बन जाएगा A times Q2 by Q2, बनता है? यस सर। प्लस B times Q2 dash by Q2, बनता है? इसमें Q2 को T ले लेना तो ऊपर वाला DT बन जाएगा। हाँ। प्लस C टाइम्स dx by Q2, ये प्रोफाइल वन हो गई ना? हाँ, ओके सर। ठीक है, ओके। बच्चों प्रोफाइल फाइव, एक्चुअली ये इतना ज्यादा काम आती है ना प्रोफाइल्स, बगैर इनके तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जैसे बोला ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बिना ट्रिगो भी नहीं पढ़ सकते, तो इंटीग्रेशन में इन प्रोफाइल्स के बिना तुम क्वेश्चंस को प्रोसीड कर ही नहीं सकते। प्रोफाइल फाइव, प्रोफाइल फाइव में न्यूमरेटर दिया हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। इस कंडीशन में क्या करो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर डैश एंड प्लस के, क्योंकि सी ले चुके हैं इसलिए के लिखा है, राइट। ऐसे करके लिख दो। अब एबीसी कैसे निकालोगे? टू फाइंड एबीसी, टू फाइंड ए बी के कंपेयर द कोफिशिएंट्स, राइट, कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। सर ये नेसेसरली वर्क करेगा ही हमेशा? हाँ ये वर्क करेगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आई एम सेइंग ये कोफिशिएंट कंपैरिजन। हाँ वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। के लिए सर ट्रिग्नोमेट्री में इट्स नॉट लाइक एक्स स्क्वायर ना, हम लोग दो चीजों को मिलाकर भी वापस साइन एक्स का वो चेंज कर सकते हैं और वो सब, तो उससे फर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफाइल में वर्क कर जाएगा ना बेटा। ओके सर। बेसिक सोच तू, बेसिक तू क्या कर रहा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख रहा है, राइट। तो कुछ भी एबीसी ऐसा तो आएगा आएगा जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख पाएगा। एबीसी एबी के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, और वो कंपेयर करने से मिल जाता है। या फिर एक काम ये कर सकता है, पुट x इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एक्सेट्रा, मतलब इनमें से कुछ वैल्यूज डाल सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे तो 1 2 3 तो डाल नहीं सकता, तो साइन 1 वगैरह आ जाएगा तो गंदा इक्वेशन बनेगा। सॉल्व तो हो जाएगा बट गंदा इक्वेशन बनेगा, तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। ओके, अब मान लो ये निकल गया तो फिर इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर dx इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो बन जाएगा x, राइट, प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर डैश बाय डिनोमिनेटर टाइम पास, प्लस c टाइम्स c नहीं k टाइम्स dx बाय p साइन x
प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर, ये हो गया प्रोफाइल फोर। तुम लोग एक चीज नोटिस करो, हर एक प्रोफाइल में प्रोफाइल वन काम आ रही है। देखो प्रोफाइल टू में ये प्रोफाइल वन, प्रोफाइल थ्री में जब ये करोगे तो ये प्रोफाइल वन, प्रोफाइल फोर में ऐसा करने के बाद प्रोफाइल वन काम में आएगी, आई गारंटीड काम आएगी। गारंटीड का मतलब कुछ क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, वो बात अलग है, अदरवाइज प्रोफाइल वन का यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सर सर सर, ये प्रोफाइल फोर में आप वो साइन एक्स और कॉस एक्स का वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो कैसे बनेगा, मतलब नीचे में? तो थोड़ा लाउडली बोल यार, आज मेरे स्पीकर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ काम कर नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये sin x और cos x को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 2 tan x by 2 वाले टर्म्स को, उसके बाद वो नीचे वाला इंटीग्रल बनेगा। वो कैसे आए, उसमें तो कांस्टेंट्स भी है ना, abc वगैरह। एक मिनट होल्ड रख, प्रखर बोल रहा था, कौन बोल रहा था? हाँ सर प्रखर, तू ठीक ठाक तो है ना आज? हाँ सर, वो मतलब पता नहीं क्लिक नहीं आया। कोई बात नहीं, क्लिक तो मैं करा देता हूँ, बाकी ऐसे क्वेश्चन जनरली तुम्हारे बैच में नहीं आते, पर ठीक है बता देता हूँ। ये हो गया मान ले 1/3 प्लस साइन एक्स, अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ सर। ये बच गया 1/3 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 square x/2, 1 प्लस 10 square x/2 यहाँ ले जाओ और यहाँ ले जाओ, तो इंटीग्रल कितना बन गया, sec square x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 square x/2 प्लस 2 tan x/2। अब चमका क्या टक्कर? टेन एक्स बाई टू को टी डालेगा तो ये डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी आ जाएगा ना? ऐसे जो बोल रहा हूँ ना उसको एक्सेप्ट कर ले, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं इसके, तो करेगा तो हो जाएगा बेटा। प्रोफाइल फाइव, प्रोफाइल सिक्स, बच्चों अगर इंटीग्रल होगा इस तरह का डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी साइन एक्स कॉस एक्स। नोटिसेबल पॉइंट यह है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर जहां भी है या तो जीरो है या टू है, बराबर, या तो पावर जीरो है या फिर पावर टू है और नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। मान लो इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो नीचे वाला फंक्शन तो चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टेन और ऊपर वाला आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, मतलब sec स्क्वायर एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ टेन एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसमें टेन एक्स को टी डाल देना उठा के सीधा, राइट, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बड़े ऑर्डिनरी प्रोफाइल्स हैं एक्चुअली, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ट्राई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। अभी इसका क्या एग्जांपल दूं, मतलब तुम चाहो तो सॉल्व करो, चलो साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स सॉल्व करो, करो फटाफट, एक मिनट का टाइम है।
कितने लोग को हो गया, रेज योर हैंड। लो ये तो भर गया 12, 13, 16, 17, 19। सर वैसे तो क्वेश्चन बन गया, बट जो एग्जिस्टेंस ऑफ उसका कांस्टेंट आ रहा है नीचे, उसकी वजह से लाइक इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, लाइक sec square x plus tan x वैसे। अच्छा sec square x को tan square plus 1 लिखते हैं तो वन लिखते हैं वन को। हाँ सॉरी डिफिकल्ट कैसे हो गया यार, डिफिकल्ट चीज मैं बोल रहा हूँ, प्रोफाइल्स डिफिकल्ट है ही नहीं। हो गया बस ऐसे ही पूछ रहा था। 21 स्टूडेंट्स का हो गया इसका, हमारा 10 बच्चों का नहीं हुआ या 10 बच्चे कर नहीं रहे। ये बन गया तुम्हारा क्या 24 का हो गया। अब तो क्या है, बाकी बचे हुए करो, थोड़ा मेहनत करो। 24 का हो गया इसका मतलब कुछ बच्चों का जिनका नहीं हुआ है इससे पूछ के करो। चलो भाई इसका सॉल्यूशन भी डाल दो एक बार ग्रुप पे, प्रोफाइल 6। अब बच्चों आप तुम जो है ना प्रोफाइल 6 के बाद बाकी बची हुई प्रोफाइल्स जो है ना वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो करेंगे वो क्या करेंगे याद रखना, कितनी प्रोफाइल्स करी है अपन ने, कितनी करी है 6 करी है, तो 6 और बच गई है, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे ये वाला प्रोफाइल। ये प्रोफाइल नहीं, आईबीपी का एक पार्ट है, पार्ट जो रह गया था उसको कर रहे हैं। e to the power x into fx plus f dash x, इसका आंसर सब लोगों को पता है ना क्या आंसर है? e to the power x fx, e to the power x fx, ठीक है ना। ओके e to the power x fx। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये x के अलावा अगर कुछ भी आएगा ना तो उसको क्या करो, उसको उठा करके और कुछ t अज्यूम कर लो और बाकी इनको भी t की टर्म्स में ही चेंज करो। जैसे e टू दी पावर x बाई 2 है या sin x है तो sin x को cos x ले लो, फिर आगे प्रोसीड करो, समथिंग लाइक दैट। मानो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो एक टाइम पास क्वेश्चन, जेई मेन्स का भी नहीं बोल सकते इसको, तो sin x plus cos x dx, तो ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर भी आ गया e to the power x into sin x। सर वो आपने x के बारे में क्या बोला था, एक बार रिपीट कर देते हैं। x की जगह में कुछ भी होगा राइट, तो e to the power x by 2 और यहाँ कुछ दिया हुआ है तो x by 2 को t सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा हाँ, यहाँ सिर्फ x ही होना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सेकंड मानो इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन होता, साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस कॉस ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखो, एल एन एक्स टेंशन करे तो उसको टी ले लो और ई टू दी पावर एक्स टेंशन करे तो उसको टी ले लो। अभी फिलहाल ई टू दी पावर एक्स तो है नहीं तो उसको टी लेना नहीं है राइट। तो अभी मैंने इसको टी लिया तो एक्स बन गया ई रेस टू पावर टी, तो dx बन गया तुम्हारा e raise to power t tt, और एक क्वेश्चन बन गया sin t plus cos t। बच्चों इतना ध्यान रखना इस चैप्टर में कोई भी रिस्क मत लेना, लेवल 1, 2, 3 प्रायोरिटी पे सॉल्व करना, अदरवाइज ऐसे घूम जाओगे ना चैप्टर में पता भी नहीं लगेगा कि चैप्टर गायब हो गया तुमसे। e raise to power t dt मतलब आइडेंटिटी स्पेस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी, मैं एक भी एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूँ। हाँ आइटम स्पेस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जेई एडवांस के 10-15 दिन पहले लोग इनडेफिनेट के क्वेश्चन डिमांड नहीं रखते हो, उस टाइम भी फंसाने के लिए कोई क्वेश्चन आ ही जाता है उन लोग को, और कभी कभी क्वेश्चन में आधा घंटा लगता है और फिर भी हिलता नहीं है, समझ लो एक चीज। इसलिए इसका लेवल 1, 2, 3 करके सारी प्रोफाइल को कचरा एकदम दिमाग में फिट कर लो कि यार ये सब तो हमें अच्छे से आता है, फिर उसकी प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस के लिए बुकलेट है, एक्स्ट्रा शीट 2 मिलेंगी इसमें,
राइट, एक क्लास टेस्ट रहेगा मोर देन वन करेक्ट चॉइस पे, एक इंटीजर्स वाला शीट रहेगा, तो नंबर ऑफ शीट्स मैं इसमें देने वाला हूँ ताकि प्रैक्टिस तुम्हारी रीजनेबल हो जाए, राइट। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये तो पुराना वाला रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर टी इंटू साइन टी, टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, टी की वैल्यू डालोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा ई रेज टू पावर एल एन एक्स, एक्स इंटू साइन ऑफ एल एन एक्स। सर एक डाउट है। हाँ बोलना। सर इसमें अगर हम सेकंड टर्म में x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सीधा वो x sin of ln x भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है ना, वो एक आइडिया हो गया, यू आर राइट, यू कैन डू दैट। ओके सर। हाँ बच्चों ध्यान दो, अभी अगर इसमें ये क्वेश्चन होता, हाँ इस पे ध्यान दो सब लोग, इस पे ध्यान दोगे तब भी आगे, मतलब ये क्या इरिटेटिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं तो इजी लिखूंगा लेकिन जब तुम लोग को दूंगा तो एक इरिटेटिंग क्वेश्चन दूंगा, तो उसको इस तरह से ध्यान रखो, मानो दिया हुआ है ई रेज टू पावर एक्स, नो नो ई रेज टू पावर एक्स देने से बहुत ज्यादा ही ऑर्डर हो जाएगा, इसको ऐसा करते हैं एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एल एन एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं इसको डी एक्स। अब भी काम वही करना है, एल एन एक्स को टी ले लिया, एल एन एक्स को टी ले लिया, एल एन एक्स को टी ले लिया, तो फिर x बन गया e raise to power t, तो dx आ गया e raise to power t dt, तो ये क्वेश्चन बन गया ln t plus 1 by t square और e raise to power t dt। अब बच्चों ln t का डेरिवेटिव 1 by t, यहाँ 1 by t square आ रहा है, तो इसको क्या करो ऐसे लिखो ln t प्लस वन बाई टी माइनस वन बाई टी, तो एल एन टी का डेरिवेटिव वन बाई टी मिल गया, और बच्चों जो सब्ट्रैक्ट किया है ना उसका डेरिवेटिव देखो वन बाई टी स्क्वायर आगे मिल रहा है, ये फंक्शन बनेगा तो ये फंक्शन डैश बन जाएगा, ये बेनिफिट हो गया ई रेज टू पावर टी डी टी, मतलब ये दो क्वेश्चन बन गए, ये तुम्हारा क्वेश्चन वन और ये तुम्हारा क्वेश्चन टू, दोनों के आंसर एक साथ लिखो, देखो पहले का आंसर आएगा ई रेज टू पावर टी इंटू एल एन टी, दूसरे का आंसर आएगा e raise to power t into minus 1 by t plus c, बराबर है बच्चों? क्वेश्चन दो अब चलेगा, कर सकते हो इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस, क्या बोलते हो? एक सेकंड सर, हाँ सर कॉपी करना, हाँ ये कर लो, इस पर क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े बढ़िया वाले, अभी चलो आगे। हाँ सर। क्वेश्चन फोर, ऑर्डरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्स ई टू दी पावर एक्स, तुम्हारा पर्पस तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन में, अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्वेश्चन फाइव, ई टू दी पावर एक्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन सिक्स, ई टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक और लिख रहा हूं
ये क्वेश्चन, दो मिनट, ये क्वेश्चन आधा मिनट एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये क्वेश्चन 3 मिनट और ये क्वेश्चन 10 मिनट. e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये छोड़ करके सब इस पे मत लग जाना. टेंथ पहले पता लगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे ही लग गए पहले से. एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2. करो, शुरू करो. पहले 3 क्वेश्चन का आंसर जिनको आ जाएगा उनको हैंड रेस करना है. 4th, 5th, 6th का आंसर जिसको आएगा ना, 4th, 5th, 6th का आंसर, उसको हैंड रेस करना है. 7th का आंसर के लिए इंडिपेंडेंटली देखेंगे फिर. अगर 4th, 5th, 6th 20 स्टूडेंट्स को आया तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा सबका, ताकि फिर 7th को सब लोग यूनिफॉर्मली ट्राई कर पाए. तो वो 6th वाला क्वेश्चन सबको दिख रहा है कि खाली में दिख रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा. सर 6th क्वेश्चन दिख रहा. हां, गाइस कितने लोग को हुआ पहला क्वेश्चन? कितने लोग को हुआ प्रथम तरह हुआ क्या पहला क्वेश्चन? रचित तरह पहला मतलब. अभी दिखेगा, दिखेगा, एक मिनट बाद दिखेगा.
सिक्स क्वेश्चन दिख रहा है अभी? हाँ सर अभी दिख रहा है। ये मैं हैंड्स लोअर कर रहा हूं अभी क्योंकि मुझे 4, 5, 6 तीनों एक साथ चाहिए। 4, 5, 6 तीनों एक साथ किसी को हो जाएंगे, 20 स्टूडेंट्स प्लस के हो गए ना, तो फिर मैं तीनों के हिंट्स देना शुरू करूंगा।
15 स्टूडेंट्स को हो गया है, तो चलो ठीक है, इसका हिंट तो दे देते हैं, 15 को हो गया है। मुझे लगता है सारे लोग, ज्यादातर लोग इस पे फंसे हुए हैं, क्या बोलते हैं, सिक्स वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हिंट ये रहेगा कि इसमें प्लस माइनस 1 कर दो और स्प्लिट कर दो, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स टी एक्स, राइट। और सेकंड में आ जाएगा, अब तो ये हो गया ना, ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन डैश हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है उसमें e टू दी पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज कर दो, e टू दी पावर एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं वैसे इसको अपन लोग, 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 10 एक्स बाई 2 आ जाएगा dx, राइट। एज फार एज सिक्स क्वेश्चन इज कंसर्न, कितने लोगों का हुआ जरा देखते, 16 बच्चों का ही हुआ यार। बच्चों मैंने शुरू में हिंट दिया था, याद करो, मैंने बोला था कि cos inverse x रहना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे cos inverse x है ना, इसको सबसे पहले t लो, मतलब x को cos t ले लो, x को जब cos t लोगे तो dx बन जाएगा sin t dt, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, e raise to power t into 1 plus sin t, sorry 1 plus cos t plus sin t divided by 1 plus cos t whole square और under root 1 minus x square का मतलब sin t, अच्छा dx की जगह आ जाएगा sin t dt, ये कैंसिल हो गया। अब इसको स्प्लिट कर दो इसके साथ में, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर t 1 अपॉन 1 प्लस cos t, 1 अपॉन 1 प्लस cos t प्लस sin t अपॉन 1 प्लस cos t होल स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इजी डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, देख सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो, होल स्क्वायर आ रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट करोगे तो पता लग जाएगा। इसका आंसर आएगा e रेज टू पावर t अपॉन 1 प्लस cos t। फाइनल आंसर में देखो तो t की जगह cos inverse x, e रेज टू पावर cos inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस साइन आएगा बच्चों इधर, माइनस साइन यहीं से भूल गया, हाँ आएगा 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 आएगा, इंटरनेट लोगों को रुला देता है, ये तो मैंने देख लिया वैसे, ठीक है ना सर, बट मत बोल मत बोल बेटा मत बोल, ठीक है चलेगा, अभी तेरा इंटरनेट ठीक नहीं है। हाँ तो ये बन गया प्लस सी,